ऐसे व्लॉगिंग सेटअप देखने के बाद सारे लोग ऐसे देखते हैं ना यार, क्या ही बताए। यहाँ पे देखो, हे गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइज, आज का व्लॉग तो यार बहुत शाम को स्टार्ट हो रहा है और फिलहाल हम आ चुके हैं यहाँ पे लोनेरे में, और मैं तो यार मस्त अपना गन्ने का जूस पी रहा हूँ, और यहाँ पे अपने साथ है सुमित। और सुमित सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया, ले फुल हंस रहा है भाई। और सुमित भी यहाँ पे बहुत दिनों के बाद यहाँ पे फाटे पे आया है, तो आज वो भी मेरे साथ ही जाने वाला है। और आज हम जाने वाले हैं महाड़ को, तो जाके देखते हैं। और वहाँ पे महोत्सव है, मैंने आई थिंक लास्ट टाइम बताया था आपको, तो जाते हैं अभी, निकलते हैं यहाँ से जल्दी क्योंकि शाम हो रही है। और यार एक बार मौसम देखो कितना मस्त है यार, वहाँ पे देखो कितना खतरनाक सीन हो रखा है। A few moments later. और अभी हम आ चुके हैं महाड़ के महोत्सव पे, जो कि यहाँ पे सामने की तरफ है। यहाँ पे आने के लिए आपको जो छत्रपति शिवाजी महाराज चौक है ना, वहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से जिजा माता उद्यान जाओगे ना, वहाँ से मतलब सीधा ही रास्ता है। और सीधा रास्ता जाने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं आप, सीधा मतलब यहाँ से निकलता है वो रास्ता, और उसके बाद आपको यहाँ पर एंट्रेंस मिल जाएगी। और फिलहाल तो यार बस अभी चलते हैं इसके अंदर, और आज का ब्लॉग तो भाई साहब यहाँ पर ही हम निकालेंगे। दो तीन दिन पहले भी आए थे घूमने के लिए, बट आज यहाँ पे आ चुके हैं, तो देखेंगे पूरा आज का पूरा महोत्सव घूमेंगे मस्त। आज के सुमित भी है अपने साथ, और करण भी अभी आ ही रहा है वहाँ से। यहाँ की एंट्रेंस ही इतनी खतरनाक है ना भाई, यहाँ पे बड़े बड़े झूले भी दिखाई दे रहे हैं। तो जाते हैं जल्दी इसके अंदर, और यहाँ से अंदर एंट्री करते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या है। और गाइस, ये जो महामहोत्सव है ना, 11 तारीख से 19 तारीख तक, मतलब देखा जाए तो 9-10 दिन है। तो यार सही है यार, यहाँ पर घूमने भी आ सकते हैं, यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है। और यहाँ पर पीछे की तरफ हर जगह मतलब बड़े बड़े राइड्स वगैरह है, तो देखते हैं अंदर जाके। तो अभी जाते हैं और मिलते हैं आपसे सीधा अंदर। और करण बढ़िया? एकदम बढ़िया, वापस बहुत देर, वेलकम बैक। चलो अंदर चलते। तो अभी यहाँ से टिकट निकालते हैं और जाते हैं अंदर। और अंदर तो यार मुझे लगता है भीड़ होगी, और यहाँ पे सारे लोग फोटोस वगैरह निकाल रहे हैं। तो गाइस, अभी यहाँ पे फाइनली अंदर आ चुके हैं, और यार अंदर तो यार मस्त आते ही मतलब डांस देखने को मिल गया। और अभी यहाँ पे चल रहे छोटे बच्चों के डांस वगैरह, और यहाँ पे तो यार इतने सारे स्टॉल्स वगैरह है ना, और यार भीड़ भी है, मतलब थोड़ी थोड़ी भीड़ है। और अभी अंदर आने के बाद सीधा आपको यहाँ पे डांस वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे, तो छोटे बच्चों का डांस है। और अंदर आने के बाद भाई साहब अपने जो दोस्त है ना, वो उस साइड चले गए और मैं इस साइड आ चुका हूँ। करण क्या यार, तू लेक्चर कर रहा है यहाँ पे भी आके? एक जीरो मिनट का काम है क्या? जीरो मिनट उधर। और यार यहाँ पे मतलब हमारा कंफ्यूजन चल रहा है ले। और अभी यहाँ पे तो यार पूरा मतलब कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या खाए और क्या नहीं खाए, क्योंकि यार इतने सारे यहाँ पे आइटम्स है ना, मतलब कि स्टॉल्स में लगाए हुए, और वहाँ पे भी देख सकते हो राइड्स वगैरह है। और अभी क्या करना है? खाने का है ब्रो, खाने का है यार। तो चलो भाई को खिलाते हैं कुछ। तो खिलाने वाला कौन है? पर भाई पैसा देगा, भाई को खिलाते कौन है? तू बोला भाई को, तू खिलाते ना। इधर देख भाई, डोसा कितना बड़ा है भाई साहब, इतना बड़ा डोसा। अरे यार ये तो पराठा है, इतना बड़ा पराठा। सो गाइस, अभी यहाँ पे खाते हैं दाबेली मस्त। और यार यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स है खाने के लिए, बट यार हम तो यार दाबेली खाते हैं। और उसके बाद जाते हैं राइड्स वगैरह देखते कैसे हैं, और मिलते हैं आपसे। और यहाँ पे ना बहुत सारी शॉप है, उनमें से ये शॉप है ना वहाँ पे मिलता था स्प्रिंग रोल, तो हमने वहाँ से ले लिया। तो यार दिखने में तो यार बहुत टेस्टी लग रहा है, तो खाते। और इसमें तो भाई दोनों ने स्टार्ट भी कर लिया। ए भाई तू खाना चालू। तो भी गाइस, खाने के बाद हम आ चुके हैं जहाँ पर सारे राइड्स वगैरह होते हैं ना वहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हो सबसे बड़ा वाला तो यहाँ पे सामने, और यहाँ पे ट्रेन वगैरह मतलब छोटे बच्चों के लिए सारे खेलने की चीजें हैं। मुझे तो लगा था गाइस यहाँ पे मौत का कुआ वो सारे मतलब राइड्स वगैरह हो गए, बट यार यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। और इसको तो यार कितनी खूबसूरत लाइटिंग की है देखो एक बार। तो यार राइड्स वगैरह में बैठने वाला, क्योंकि यार इसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, तो देखते हैं। और यहाँ पे फायर पान, तो गाइस अभी यहाँ पे फाइनली मैंने भी अपना ट्राइपॉड वगैरह लगा लिया है, क्योंकि ना यहाँ पे बहुत सारा नॉइज आ रहा है। करण यहाँ पे क्राउड नहीं यार, आज क्राउड नहीं, उधर चलना उधर क्राउड होगा।
उधर गाने चल रहे ना, इधर सब घूम के चले गए लोग। अच्छा। जल्दी यहाँ जो फैमिली होते छोटे बच्चे वाले, ठंड गिरी है तो लोग जल्दी जाते हैं। ठंड भी है ना, थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है, क्योंकि यार रात के वक्त ना यहाँ पे ऑलरेडी यार ठंड बहुत रहती है, जो कि महाड़ में यार बहुत ठंड रहती है। महाड़ जो कि रायगढ़ में आता है ना, तो इसको जैसे गाइस यहाँ की ये जो बीच वाले डे है ना, मतलब कि 11 से लेके 19 तक बीच में, मतलब कोई मतलब कि आपको ही पता है कि यार जो मेला और जो महोत्सव रहता है ना, उसमें मतलब जो लास्ट के दो तीन दिन रहते हैं ना, उसमें ही ज़्यादा लोग रहते हैं। तो फिलहाल हम बीच में आ चुके हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं है। सो भी यहाँ पे अपने दोस्त मिल गए, जो कि अभी बन गए, यहाँ पे देख सकते हो। क्या भाई नाम तेरा? स्वप्निल भीमराव साळवे। स्वप्निल भीमराव साळवे, वाह वाह। पानी चक्का भी ना उन्होंने ये चालू किया है, तो अभी 2023 तक अभी आगे भी ये चलने वाला है। हाँ, एक तो यार लॉकडाउन के बाद ये स्टार्ट हुआ है ना, तो इसके वजह से पहली बार स्टार्ट हुआ है। मतलब 2016 से चालू है 16 2000, और 2000 अभी 23 आगे भी चालू रहेगा, अभी इसके आगे तो चालू ही रहेगा ना। बाकी बढ़िया लगा भाई मिलके तेरे से। और ये तेरी गैंग है ना? यस यस, टीम मेंबर्स। और ये और इन लोगों ने मतलब कि ये वाली राइड की है, ये वाली राइड किसने किसने की है? ये हमने सबने की है। सबने की? यस, ये टीम मेंबर। तो कैसा लगा ये वाली राइड करने के बाद? कैसा लगा? थोड़ा मीटिंग हो गया। हो गया, ठीक है, चल भाई। हाँ, चल, थैंक यू। ओके, सो गाइस अभी यहाँ पे अपना और एक दोस्त, मतलब कि यहाँ का प्रॉपर का है, सातवीं का, और सातवीं का है। और क्या बोलना चाहेगा भाई? कुछ नहीं, इसके चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे धन्यवाद भाई, धन्यवाद। यहाँ पे है स्मोक बिस्किट। करण, स्मोक बिस्किट खाएगा? नहीं नहीं नहीं। अच्छा नहीं ना, मुझे भी यार ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि ना यार वो जो स्मोक है ना यार, अच्छा नहीं, मुझे तो यार पसंद नहीं वो। पर यहाँ पे हमने लिया है बुड्ढी के बाल। बुड्ढी के बाल किसने नाम रखा है इसका? क्या पता, बाल बुड्ढी जैसे दिखते हैं। खाओ खाओ बुड्ढी के बाल खाओ। अरे यार सारा निकल गया। तो अभी हम तो खा रहे हैं यहाँ पे बुड्ढी के बाल। Many hours later. So guys, अभी यहाँ पे फाइनली आ चुके हैं अपने लोनेरे के अंदर, और मेरे बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा लोनेरे का माहौल रात में कैसा रहता है। यार मतलब जाने के बाद मैं सीधा अभी एडिटिंग को बैठने वाला हूँ, क्योंकि यार मुझे आपको थोड़ी सी बात शेयर करनी है, क्योंकि ये जो वीडियो को एंड करने का टाइम आएगा ना, मैं तब भी बताऊंगा। भाई ये क्या है रे, इतना बड़ा क्या लेके जा रहे हैं, क्या बता? मैंने केमिकल फैक्ट्री के लिए लगता है। सो गाइस अभी यहाँ पे फाइनली आ चुके घर अपने वापस, और आज देखा आपने कि ये जो महामहोत्सव था महाड़ का, ये जो महामहोत्सव था ना, उसके अंदर ज्यादा लोग थे भी नहीं आज। मुझे तो लगता है ये जो लास्ट के दो चार दिन रहेगा ना, उस वक्त ना बहुत भीड़ रहेगी, तो देखते क्या रहता है, तब का क्या सीन है, मतलब कि प्लान बनता है कि नहीं। और मतलब कि यार मैं ऐसे सोच रहा था कि मैं डेली व्लॉगिंग कर सकता हूँ कि नहीं, तो इसकी वजह से ना मैंने दो तीन दिन डेली व्लॉग बनाने का सोचा, मतलब कि आज जो मैं कुछ करूँगा वो कल अपलोड करूँगा, तो ऐसे मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, मतलब कि समझ रहे हो। अभी धीरे धीरे मतलब कि मैं डेली व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दूंगा, तो वैसे भी यार देखते हैं, उसके लिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ थोड़ी थोड़ी, तो जितना मेरे से हो सकता है मैं डेली रखने की कोशिश कर रहा हूँ। कि यहाँ पे मेरा रेगुलर कॉलेज रहता है, तो इसकी वजह से मैं डेली व्लॉग अपलोड नहीं कर पाता, कभी कभार व्लॉग वगैरह बनाता हूँ। तो अगली बार देखते यार डेली व्लॉग करने का टाइम कब आता है, तो मुझे तो यार सच में बहुत मजा आता है। फिलहाल इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। और यहाँ पे सच में यार बहुत बड़ा महोत्सव है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ के एंट्रेंस एक दिख, भाई कुत्ता, यहाँ के एंट्रेंस एक दिख